और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के जरिए छात्रों से रूबरू होंगे और ये कार्यक्रम आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी छात्रों को बताएंगे कि किस तरह से परीक्षा के दबाव उसके प्रेशर को कम किया जाए। सुबह 11 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में देश भर में से सभी छात्र जुड़ेंगे। परीक्षा पर चर्चा का ये 5वां एडिशन है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 15 लाख से अधिक स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। तो प्रधानमंत्री के गुरु मंत्र के लिए बच्चे तालकटोरा स्टेडियम पहुंच रहे हैं। माता पिता और शिक्षकों के साथ बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित हैं। टाइम्स ऑन ऑफ भारत संवाददाता वरुण बसीन ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री आज बच्चों से बातचीत करेंगे, उनके परीक्षा का तनाव दूर करने की कोशिश करेंगे, उनके बहुत से ऐसे सवालों के जवाब देंगे। और बच्चे अब आना शुरू हो चुके हैं, आप देखिए 9, 10, 11, 12 ये 4 कक्षाएं हैं, वो बच्चे आ रहे हैं। क्या कितने एक्साइटेड हो? बहुत ज्यादा। कुछ सवाल हैं प्रधानमंत्री के लिए? अभी तो नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब कि यहाँ पे जा रहे हो, क्या कुछ चल रहा है दिमाग में? एक्साइटमेंट है, थोड़ा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा है। शुरू से ही, जब से पता चला है। एग्जाम की टेंशन होती है तो इसमें जाने में आज ऐसा लग रहा होगा कि हाँ थोड़ा सा लाइट होके अच्छा फील होगा क्या? बहुत अच्छा फील हो रहा है और लाइट हो जाएंगे, अब सर से बात करेंगे तो बहुत अच्छा। सर किस तरह से तैयारियाँ हुई है बच्चों? सर बच्चे एक तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कि वो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड, सो दैट्स व्हाई दे आर वेरी एक्साइटेड एंड वेरी मोटिवेटेड, एंड ही विल गिव सॉल्यूशन ऑफ आवर ऑल प्रॉब्लम्स। क्योंकि वो एग्जाम की जो एक टेंशन होती है उसको दूर करना बहुत जरूरी होता है, आप तो एक शिक्षक हैं, समझते हैं। यस सर वी हैव टेंशन बट आई थिंक वी विल ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। बिल्कुल एक्साइटेड है? यस सर, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लाइक पहली बार प्रधानमंत्री जी से मिलना इज लाइक ड्रीम फुलफिल हो गए हमारे। देखिए वो बच्चे इस वक्त अंदर जा रहे हैं, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली का है, अगर मैं आपको बताऊँ तो 5वीं बार है ये। और मेरे सहयोगी रविकांत राय ने भी कुछ बच्चों से बात की है, आपको दिखाते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। तमाम बच्चे जो हैं वो तालकटोरा स्टेडियम पहुंच रहे हैं। ये केंद्रीय विद्यालय एंड्रूजगंज के बच्चे हैं, उनकी टीचर भी उनके साथ हैं और बच्चों में जो उत्साह है वो देखा जा सकता है। सबसे पहले टीचर से बात करते हैं, फिर स्टूडेंट से इंटरेक्ट करेंगे। मैम 2 साल के बाद बच्चे घर से निकले हैं, कोविड काल थोड़ा सा धीमा हुआ है, किस तरीके की आप लोगों की तैयारियां हैं और क्या मन में है, क्योंकि प्रधानमंत्री बच्चों से सीधा रूबरू होंगे, क्या चाहते हैं आप लोग, कोविड के बाद क्या कुछ बदलाव आया है, क्या बच्चे पूछना चाहते हैं? देखिए ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि बच्चे अपना सेल्फ एस्टीम खो चुके हैं, ऑनलाइन में वो बहुत ज़्यादा लो हो गए थे, तो इसलिए उनको जो अप करना है, उनको जो बूस्ट देना है, उसके लिए बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी है, जो प्रधानमंत्री मोदी ज़रूर दे सकते हैं क्योंकि उनकी जो बातें हैं उन सब के हम भी फ़ैन हैं, सारी दुनिया फ़ैन है, सारी दुनिया उनकी कायल है, इसलिए हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं कि हम उनसे रूबरू हों, उन्हें देखें और हमारे बच्चों से वो संवाद करें। आप बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? ज्योतिका जयानी। ज्योतिका, क्या पूछोगे आप प्रधानमंत्री से जब मिलोगे? प्रधानमंत्री से हम पूछेंगे कि हम स्ट्रेस कैसे हैंडल कर सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि हमें बहुत सारे एग्जाम्स देने होते हैं, हम 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हमें बोर्ड हैंडल करना होता है, हमें बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, फिर हमें टेंशन रहता है कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिशन होगा, तो इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे कि कैसे हम अपने आप को बैलेंस कर सकें सब कुछ। कोविड के बाद क्या कुछ बदला है, क्योंकि 2 साल तक आप लोग घरों में बंद थे, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही थी, कोई दिक्कत आ रही थी, वैसी कोई समस्या जिसका निदान आप लोग चाहते हैं कि सरकार करें, प्रधानमंत्री करें? सर एक्चुअली कोविड के टाइम पे जो बच्चों का जो मेन इंटरेक्शन टीचर्स के साथ बहुत लूज हो गया था, उसकी वजह से जब अब ऑफलाइन क्लासेस फिर से स्टार्ट हुई हैं तो बच्चों ने क्लास अटेंड करना ऑलमोस्ट छोड़ दिया है, बहुत कम बच्चे आते हैं क्योंकि उनका जो इंटरेक्शन जो बीच में लूज हो गया है उसको वापस रीगेन करना बहुत मुश्किल था, तो अब हम ऐसा कर रहे हैं कि अब स्कूल हम जब आ रहे हैं तो हम प्रधानमंत्री जी से ये पूछेंगे कि हमारा एक्चुअल में हम कैसे वापस से कोप अप करें इन सब चीज़ों से और इन्जॉय कैसे करें न्यू लाइफ, और प्लस हमें पता चला है कि अभी एंट्रेंस एग्जाम फर्स्ट है देने के लिए, तो कोविड के बाद, एक्चुअली सिर्फ कोविड के बाद नहीं, हमारा फर्स्ट बैच है जो इन सब चीज़ नई चीज़ों से फेस करेगा। और मुंबई में स्कूल के बच्चे परीक्षा पे चर्चा को लेकर के क्या कह रहे हैं, शिवानी मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कोरोना काल में जहां बच्चों की पढ़ाई 2 साल तक अफेक्ट रही, उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा और अब जब कोरोना के केसेस कम हुए हैं तो दोबारा सुचारू रूप से जो स्कूल्स हैं वो शुरू हैं। इसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बच्चों से परीक्षाओं से जुड़े हुए खास मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इसी तरीके से फिलहाल ये मोदी जी की क्लास हम कह सकते हैं जहाँ पर हम बच्चों से बातचीत करेंगे कि अगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर से बात करने का मौका मिले तो वो किन सवालों को प्रधानमंत्री मोदी के सामने रखेंगे। आपका नाम क्या है? सिंह रिया राजेश। रिया, ये बताएं अगर आपको प्राइम मिनिस्टर से बात करने का मौका मिलेगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। क्या पूछना चाहेंगे उनसे? मैं ये पूछूंगी कि जैसे पहले स्पोर्ट्स होता था स्कूल में वो अभी होगा कि नहीं, और जैसे पहले स्कूल चलता था वो भी चलेगा कि नहीं? नहीं अभी स्पोर्ट्स को लेकर भी एक शिकायत ये भी है बच्चों में, क्योंकि आउटडोर जो स्पोर्ट्स होते थे ग्राउंड्स में एक साथ, उस पर काफी ज्यादा पाबंदी लगी। आपका क्या नाम है? साहू आरशी विनोद। आरशी, ये बताएं आप क्या पूछना चाहेंगी प्रधानमंत्री को? जैसे कि हम लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस करते थे और अभी ऑफलाइन कर रहे, तो हमें मतलब उत्सुकता भी है कि हम ऑफलाइन में आ रहे हैं स्कूल, पर ऐसे भी कोई सब्जेक्ट हो सकता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी कर सके और ऑफलाइन भी। ओके, सो एक कॉम्बिनेशन जो कह सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में अगर हमने जो देखा कि ऑनलाइन जो स्टडीज थी वही एकमात्र ऑप्शन बच्चों के पास बचा। और लखनऊ के स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की है मेरे सहयोगी मनीष यादव ने, वो भी आपको दिखाते हैं। स्टूडेंट के एग्जाम से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में स्टूडेंट के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे। हम भी एक स्कूल में मौजूद हैं जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। परीक्षा पर चर्चा का कॉन्सेप्ट कितना मददगार होता है परीक्षा को आसान बनाने में, वही जानने और समझने की कोशिश है। क्या नाम है बेटा आपका? इशिका। इशिका, अब एक ट्रेडिशन आ गया है कि पीएम हर एग्जाम से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, तो कुछ ऊर्जा मिलती है क्या इससे? मोटिवेशन मिलता है और एक अंदर से आता है कि हाँ, हम लोग को पढ़ना है, अच्छा करना है, जिससे कि हम लोग आगे कुछ कर सकें अपनी लाइफ में। लास्ट बार देखा था परीक्षा पर चर्चा? नहीं, एक्चुअली मेरा एग्जाम स्टार्ट होना है, सो जस्ट अच्छा। उस पर फोकस हो रहा है अभी थोड़ा। इस बार क्या क्या चैलेंज है, क्योंकि कोविड इस बार भी देखने को मिला था, कुछ समय के लिए क्लासेस नहीं हो पाई थी, ऑनलाइन पे डिपेंड रहना पड़ा था। नहीं, हमारे टीचर्स हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, जो ऑनलाइन हुआ था वो अब फिर से रिवाइज कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो हम उसके लिए भी आ रहे हैं, तो वही सब। तो दिक्कतें तो थी लेकिन उसे सरल भी किया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष सिंह है। देखते हो कि नहीं परीक्षा पे चर्चा जब पीएम करते हैं? एक दो बार देखा है। देखा है तो कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा लगा, और जैसे कि सोशल मीडिया पे भी उसके बारे में आता है, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ के जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, तो उन सारी चीज़ों से बहुत मतलब सीखने को भी मिलता है, और जैसे कि जो हमारी समस्याएं होती है उसका भी हल मिलता है। और पीएम मोदी की क्लास पर देहरादून के बच्चे क्या सोचते हैं बता रहे हैं मेरे सहयोगी अभिषेक, रिपोर्ट देखिए। मौजूद हूँ कसीगा इंटरनेशनल स्कूल में, मेरे साथ मैडम हैं। मैडम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या प्रोग्राम की तैयारियाँ की गई हैं और कैसा रहेगा प्रोग्राम? सर, हमारे यहाँ हर वर्ष बच्चों को प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन की बड़ी प्रतीक्षा होती है, और मैं चूँकि विभागाध्यक्षा हूँ हिंदी की, तो मैं विशेष रूप से छात्रों को ले जाती हूँ कि वो उनके उद्बोधन को सुने, और वो काफ़ी ऊर्जावान व्यक्तित्व स्वयं हैं, इसलिए बच्चों में ऊर्जा भरने के लिए, जो पहले से ये परीक्षा को लेकर डर बैठा रहता है इनके मन में, तो उस ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो ये और बहुत साहस के साथ परीक्षा का सामना कर सकें, इसलिए हर वर्ष हम लोग इन्हें दिखलाते हैं। अच्छा मैडम, यहाँ बच्चों की क्या क्या तैयारी है उन्हीं से जान लेते। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या महत्वपूर्ण सवाल ऐसे रहते हैं, पीएम रहेंगे सामने, क्या आपको लगता है कि परीक्षा को लेकर क्या सवाल होंगे आपके? एक्चुअली मेरे कुछ सवाल ये होंगे कि पहला तो हमें कभी कभी रीडिंग टाइम जो होता है वो बहुत कम मिलता है, तो कभी कभी जब रीडिंग टाइम कम मिलता है फिर हम बहुत ज़्यादा उसी टाइम एंशियस हो जाते हैं कि अरे टाइम कम है, रीडिंग भी नहीं हुई, तो आंसर कैसे लिखेंगे इतनी जल्दी, और फिर उसी के कारण ना मिक्स हो जाते हैं सारे इमोशंस, और फिर आप पूरा ब्लैंक हो जाते हो पेपर के टाइम, जब आपको डर लगता है कि टाइम कम है एंड ऑल। परीक्षा से पहले डर लगता है तो प्रधानमंत्री से क्या सवाल करना चाहेंगी इस मुद्दे के ऊपर, जैसे कि वो तनाव को कम करने के लिए ये सवाल करते हैं, तो क्या करना चाहेंगी आप? इसके लिए तो बेस्ट मतलब टीचर्स और फ्रेंड्स ही हैं, वही मतलब मेरे को इतना मोटिवेट कर देते हैं कि नहीं नहीं, यू नो एवरीथिंग, सब हो जाएगा, बस आराम से बिल्कुल करियो पेपर एंड ऑल। तो प्रधानमंत्री के अभिभाषण से बहुत सारे बच्चों को फायदे भी होते हैं, और लगातार जैसे डिप्रेशन की बात होती है, इस आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपसे
क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के अनुमोदन के बाद, कैसा लगता है, क्या महसूस करते हैं? कि हम इम्प्रूव करेंगे और क्या बताइए, बस इतना ही है। चलिए अभी बच्चे इम्प्रूव करने की बात कहते हैं, मैं आपसे पूछूंगा सबसे क्या लगता है आपको, जब प्रधानमंत्री अनुमोदन करते हैं आप उन्हें सुनने के लिए बैठे हैं, क्या कौन से ऐसे सवाल होंगे जिसे आपको लगता है कि अच्छे से आप पूछ सकती हैं उनसे? मैं प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत कराना चाहूंगी कि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और हमें लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, और इस बार जब